आज तो आपने बहुत अच्छी शॉपिंग करके लाए हैं, बहुत सारा सामान खरीद लिया आपने। अच्छा किया जो आप आ गए, मेरे को भी दिला लाए, मैं बहुत दिन से सोच रही थी। भाभी देखो कितना मजा आया ना मार्केट में, अपन ने मिल के कितने गोलगप्पे खाए हैं। हाँ मैंने बहुत दिन से सोच रही थी आप आएंगे ना तब आपके साथ चलूंगी मार्केट में, तो आप आया करो बीच बीच में ताकि मेरा भी थोड़ा ना अच्छा लगे, मुझे भी मार्केट जाना अच्छा लगे। लेकिन थक भी गए बहन जी बिल्कुल, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है। पंखा चल रहा है, चलो बैठ जाते थोड़ी देर आराम, बैठ जाओ आप भी। वो सूट कितना अच्छा लग रहा था है ना, कितना, बस वो पैसे कम नहीं कर रहा था, अगर वो पैसे कम करता तो मैं ले लेती। हाँ बहन जी सूट तो अच्छा था लेकिन आपने इतना माथा फोड़ी की उससे, फिर भी नहीं दिया दुकानदार ने, एक रुपया भी कम नहीं किया उस पे तो बिल्कुल। आ गई महारानी, सुबह की गई है मार्केट में और अब जाके आई है। मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है, मार्केट में तो टाइम लगता ही है ना, कितनी भीड़ होती है मार्केट में। क्या हुआ मम्मी जी? हुआ तो कुछ नहीं है, तुम्हें सुबह की लेके गई है मार्केट में मिलने के लिए, तो 2-5 दिन को तो आई है फिर भी मेरे पास ना रुकवा दे वे यार। इसका तो रोज रोज का यही काम है, कोई भी काम सही तरीके से नहीं करती है ये, काम को तो यहाँ छोड़ के चली गई, पूरा काम तो मैंने किया है। माँ जी मैं घर का तो सारा काम करके गई थी और अब कर लूंगी जो काम है उसको। आप इतना गुस्सा क्यों होते हो, कोई देखती रहेगी क्या खड़ी खड़ी मेरा, जब मेरी बेटी थक के आई है इसके लिए कुछ पानी वानी लिया। जी मैं क्या लेके आई हूँ, देखो मम्मी जी ये मैं भाभी के लिए लेके आई हूँ, ये अपने लिए लेके आई हूँ, कैसी है? अपने अपने लिए ले आती है, उसको क्यों दिला के लाई है साथ साथ में? थक गई होगी बेटा, सुबह की गई है बाजार में वो लेके, अब आराम कर ले थोड़ी देर, इनको तो रख दूर। अरे कुछ बना के तो लिया मेरी बेटी को, बिना बोले तो कुछ समझ ही नहीं आता है इसको। क्या बनाऊं बहन जी आपके लिए खाने में? भाभी आप रहने दो, मैं बना के खिलाती हूँ आज अपनी पसंद का। क्यों बेटा तू क्यों बनाएगी, ये बनाएगी है तो सही घर में, या थाली पीनी पड़ी रहे सारे दिन खा पी कर नखरा रही, तू रहने दे बेटा आराम कर, तू तो बना लेगी आप सब। हुआ मम्मी जी एक दिन मैं बना लूंगी तो क्या हुआ, मैं अपने ससुराल में भी तो बना के खिलाती हूँ सबको, भाभी भी तो कितना काम करती है। तू रहने दे बेटी ये तो सब कर लेगी, इसके तो बहाने मीठी मीठी बोलने के काम से छुपने के, आराम कर तो 2-3 दिन और मुझसे बात कर, मैं आधी मेरो भी टाइम निकल जाएगा जैसे बहुत दिन में आई है ना। नहीं नहीं बहन जी मैं खुद बना लूंगी, आप तो वहाँ पे भी तो रोज बनाते हो खाना। अरे भाभी आप तो जो पसंद आए वो बना लो, मैं तो सब खा लूंगी। बेटा सुना तेरे सासरा में तो सब बढ़िया ही ना, तुम तो बढ़िया रखे तेरे सासू, तेरी लड़ाई तो नहीं कर रहे वो। आप भाभी को इतना क्यों डांटते हो, भाभी तो इतना अच्छे काम करती है, आपका इतना ध्यान रखती है, सब चीज आपको हाथ में देती है, फिर भी आप भाभी को डांटते रहते हो। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मांझना ही ऐसा है, जब तक मैं इसको एक दो बात खोरी खटी सुना दूं ना तब तक ये सुनती नहीं है। फिकर मत कर मैं हूँ ना इसको सीधी करने वाली। मम्मी आपने आज भाभी को बहुत बुरा भला कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मम्मी यही परिस्थिति से मैं ही गुजर रही हूँ, आपको मैं बोलती नहीं हूँ। मम्मी आप भाभी को मत डांटा करो, बहुत अच्छी है वो, सारा काम करती है, मैं भी तो अपने सास ससुर का इतना काम करती हूँ फिर भी वो मुझे अच्छा नहीं वो करते, मुझे हमेशा सुनाते रहते हैं, मैं उनको हाथ में काम देती हूँ फिर भी वो मेरे को कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और आप भाभी तो इतना अच्छा है आपका ध्यान रखती है फिर भी आप उनको खरी खोटी सुनाती रहती हो, करा करो मम्मी। तो
बेटा तेरे साथ इतना कुछ हो गया, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। फोन पे बात करती हूँ फिर भी तूने कुछ नहीं बताया, ऐसा क्यों करती है तू? मुझे बताती तो मैं उनसे बात करती ना। मम्मी रिश्तों में फर्क पड़ता है, अगर मैं आपको कुछ बोलूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हर चीज मैं आपको बताऊंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मुझसे अच्छी तो तू है, कम से कम अपने परिवार वालों के बारे में सोचती है, कुछ कहती नहीं है। और मैं तो इतनी बुरी सास में भी अपनी बहू को हमेशा ताने मारती रहती हूँ, लेकिन बेटा तेरी वजह से आज मुझे सीख लग गई है। आज के बाद जैसी तू है ना मेरे लिए, वैसे ही मैं तेरी भाभी को रखूंगी, तू चिंता मत कर। और तेरे सास ससुर को भी समझा देंगे बेटा, अगर मैं तेरी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी ना, तो ये सुन के ये देख के तेरे सास ससुर को भी थोड़े बहुत सोचेंगे कि भाई उसकी माँ तो उसकी भाभी को इतनी अच्छी रखती है, तो तेरे ऊपर रखेंगे तुझको, तू टेंशन मत कर। आज तूने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है, आज के बाद बेटा ना तू है वैसे तेरी भाभी को रखूंगी। तेरी भाभी को आवाज दो तो बेटा, उसको बुला, भाभी इधर आओ। तो बेटा मैंने तेरे साथ है ना बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे हो सके तो माफ कर देना। और आज से जैसे मेरी बेटी है ना, वैसे तू भी मेरी बेटी है। आज के बाद मैं तुझसे कभी कुछ ना कहूँ, जो तेरे मन में रहे, तुझे जैसा खुश रहना है ना वैसे तू खुश रहना।